शिव ठाकरे और प्रियंका के बीच हुई लड़ाई के बाद भाई शिव ठाकरे को भारी सपोर्ट मिल रहा है। जी हाँ, 1 मिलियन के पार। क्या है पूरी अपडेट, आइए आपको बताते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूँ ज्योति पाठक और आप देख रहे हैं फीफा फूड्स। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भाई प्रियंका और शिव ठाकरे के बीच एक कड़ी टक्कर है। दोनों काफी स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर्स हैं और इन दोनों की जब लड़ाइयाँ होती हैं, जब एक दूसरे के साथ बहस करते हैं, तब बाहर भूचाल मच जाता है। जी हाँ, आपको बता दूं कि जब वीकेंड का वार हुआ था, उसमें गौतम, प्रियंका और साजिद खान तीनों बजर के लिए थे और बजर बजाने को लेकर, सभी चीजों को लेकर शिव ठाकरे और प्रियंका के बीच बहस होने लगी। और बहस में जब प्रियंका ने शट अप कहा शिव ठाकरे को, तो भाई शिव ठाकरे की अगर मैं बात करूँ तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए और उंगली दिखाने लगे। दोनों ने एक दूसरे को उंगलियां दिखाई, बहुत लड़ाइयाँ हुई दोनों के बीच में, लेकिन उसका असर बाहर देखने को मिला है। और बाहर देखा जाए तो सबसे ज्यादा सपोर्ट शिव ठाकरे को मिला है। जी हाँ, शिव ठाकरे के फैंस जो हैं, उन्होंने बता दिया है कि भाई हम किसी से कम नहीं। 1 मिलियन के पार ट्वीट्स पहुंच चुके हैं। जी हाँ, शेर दिल शिव ठाकरे, ये ट्रेंड सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा हो रहा था और इनफैक्ट अभी भी चल रहा है। शिव ठाकरे के फैंस जो है वो अनस्टॉपेबल हैं और अभी तक इस ट्रेंड को आगे बढ़ा रहे हैं। फिलहाल 1 मिलियन तक तो पहुंच गया है, अब देखते हैं कि क्या कुछ होता है। भारी सपोर्ट मिल रहा है शिव ठाकरे को और प्रियंका के फैंस जो है वो भी अपना सपोर्ट दिखा रहे हैं। लेकिन इस लड़ाई में देखा जाए तो फैन वॉर में शिव ठाकरे के फैंस कहीं जीतते नजर आ रहे हैं, क्योंकि 1 मिलियन ट्वीट्स हो गए हैं, 1 मिलियन के पार चले गया है ये ट्रेंड। जी हाँ, और शिव ठाकरे को लेकर, उनकी उनकी बातों को लेकर, उनके हर एक डायलॉग्स को लेकर वीडियो क्लिप्स भी सामने फैंस ट्रेंड कर रहे हैं और काफ़ी अपनी बात, अपनी पॉइंट जनता रख रही है कि क्या कुछ है। और सपोर्ट अच्छा खासा मिल रहा है। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, आपका सपोर्ट किसको है, शिव को है या फिर प्रियंका को है? शिव को है तो किस लिए आप शिव को सपोर्ट कर रहे हैं, प्रियंका की भी अगर आप सपोर्ट कर रहे हैं तो उन किस बात को लेकर? आपको कौन सही कौन गलत क्या लग रहा है, पूरी बातें हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। और इसी तरीके की अपडेट्स के लिए देखते रहिए फीफा फूड्स।